अब हम करेंगे मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले याद रख लेना है कि इसकी जो मेजरमेंट है, जो भी हम लेंगे उसका यूनिट क्या है। तो उसका यूनिट है डिग्री, और उसको हम उसकी निशानी कैसे लगाते हैं, वो ऐसे छोटा सा जीरो बनाते हैं। जैसे अगर ये 70 डिग्री एंगल है, तो 70 के ऊपर ये छोटा सा जो जीरो लग जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये 70 डिग्री का एंगल है। तो ये डिग्री को डिनोट करेगा, ये याद रख लेना। अब एंगल्स को मेजर करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं डी। तो ये डी होती है, जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है एंगल्स बनाने के लिए। तो ये डी, इसको डी नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इसकी शेप जो है वो डी की तरह बनती है। तो इसको थोड़ा सा देखना और समझने की ज़रूरत है। डी में जो मेजरमेंट्स हैं, वो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दो तरह के मेजरमेंट्स हैं। एक मेजरमेंट जाता है 0 से लेके 10, 20, 30 और करते करते अप टू 180, और दूसरा उसी साइड पे अगर देखोगे तो 180, 171, वह उल्टा चल रहा है। तो ये उल्टा सीधे का जो लॉजिक है वो अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। ये जो उल्टे सीधे का लॉजिक है वो अभी समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए ये डी जो है ये यूज़ होएगी मेजर करने के लिए। अब वो मेजर करने का मतलब क्या है, मान लो अब ये एक एंगल है। अब आपसे पूछा जाएगा, भाई ये एंगल का मेजरमेंट बताओ क्या है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कितनी डिग्री का एंगल है। तो उसको हम मेजर करने के लिए इस डी का इस्तेमाल करेंगे, और डी का इस्तेमाल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये डी का ये मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ये आपके वर्टेक्स पे होना चाहिए। और वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस आके मिलती हैं। तो अगर आपने इस वर्टेक्स पे पूरी तरह से डी को नहीं रखा, तो फिर आप समझ लेना कि आपकी मेजरमेंट में गड़बड़ी होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो जब भी आपने मेजर करना है, सबसे पहले इसको, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये वाला, इसको आपको एग्जैक्टली वर्टेक्स पे आके रखना पड़ेगा। और ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये आपकी जो भी लाइन नीचे वाली होगी उसके बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। अकेला ये पॉइंट पे रखना वर्टेक्स का जरूरी नहीं है, इस लाइन का भी उस लाइन के ऊपर पूरा होना जरूरी है। ये मैंने हाथ से ड्रॉ की है, तो लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे बन चुकी है, बट आपने जब भी ड्रॉ करनी है तो आपने फुट रूलर से ड्रॉ करनी है। अब हम ये मेजर करेंगे कि भाई ये अब कितने डिग्री का है। तो अब आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली जो एंगल है वो 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो यहाँ ये 60 है या 61 होगा, तो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट इसका अब क्या है, 60 डिग्री। मैं लेके चलता हूँ। तो डिग्री और एंगल का मेजरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो लाइन पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट एग्जैक्टली इस जगह पे आना चाहिए, और ये जो लाइन है ये उस लाइन पे पूरी तरह से आनी चाहिए, फिर आपका जो एंगल का मेजरमेंट है बिल्कुल ठीक आएगा। अगर ये लाइन और ये पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे नहीं हुआ, तो फिर आपका जो है एंगल आप कभी भी ठीक मेजर नहीं कर पाओगे। तो अभी तो ये था मेजरमेंट का। अब आगे जाते हैं, लेफ्ट और राइट जो ये नंबर्स दिए गए हैं 0 से लेके 180 और 180 से लेके 0 क्यों दिए गए, वो अभी समझाता हूँ। अब मान लो ए और बी लाइन है। अब अगर ए से वर्टेक्स बनेगा, मान लो कोई लाइन आके ए को मिलती है, चाहे वो लाइन इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, या किसी तरह से भी है, अगर कोई लाइन ए पे आके मिलती है और ए वर्टेक्स बनता है, तो ध्यान रख लेना फिर डी जब भी हम रखेंगे वर्टेक्स पे, तो फिर 0 डिग्री जो है राइट साइड पे शुरू होगा। एंगल्स की मेजरमेंट्स यहाँ से शुरू होगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10।
इस तरह से जीरो यहां से शुरू करके फिर हम 180 तक जाएंगे, तो तब हमारे को जरूरत पड़ेगी ये जो जीरोज आपको डी यहां पे दिख रही है उसकी, क्लियर है? तो फिर डी हमारे लिए यहां से शुरू होती, जीरो लेके आगे आगे जाएगी, और ये जो जीरो से लेके आपको 10 दिख रहा है ना, इसके बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो एंगल जो है वो 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, वो 0 से लेके 180 तक कुछ भी एंगल की डिग्री हो सकती है। और यही अगर हम इसी लाइन में अगर हम वर्टेक्स बी को बना ले, मतलब मान लो कोई लाइन आके बी को यहां पे बनना जोड़ती है और फिर एंगल बना रही है, या कोई और लाइन है, या कोई और लाइन है, या कोई और लाइन है, अब अगर बी पे आके वर्टेक्स बन रहा है तो फिर हमारी जो जीरो डिग्री है वो यहां से शुरू होगी, तो फिर जब हम डी रखेंगे ऐसे तो फिर हमारे को डी का जीरो डिग्री यहां से देखना पड़ेगा, फिर हमारे को जीरो डिग्री वाली ये वाली जो मेजरमेंट है ये हमारे काम आएगी। तो ये डी के ऊपर जीरो से लेके 180 और 180 से लेके जीरो का मतलब सिर्फ ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा वर्टेक्स कहाँ से शुरू होता है। अगर यहाँ से ए से शुरू होगा वर्टेक्स और बी लाइन है तो फिर हमारे को जीरो डिग्री यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर बी वर्टेक्स है जहाँ पे आके दो लाइंस मिलती हैं तो फिर जीरो डिग्री हमारी यहाँ से शुरू होगी। तो डी को जब भी आप देखोगे तो आप इस तरह से इसको चेक करोगे और इसको देखोगे। अब कुछ हमारे को ये एंगल्स बना के दिए गए हैं बुक में, तो उसमें हमें कहा गया कि इनको मेजर करो। देखो मेजरमेंट तो यहाँ पे पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमने मेजरमेंट करनी कैसे है। अब जैसे ये वाला एंगल है तो इसमें वर्टेक्स ये है, तो एक चीज का ध्यान रखना जीरो डिग्री अब यहां से शुरू होने वाला है, और हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको पूरा वर्टेक्स पे रखना है, और ये जो जीरो डिग्री वाली जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद मेजरमेंट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। अब अगर डी को हम रखेंगे तो हमें वर्टेक्स के ऊपर वो पॉइंट को रखना है, तो हमने रख लिया है। अब ये लाइन को इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रख देना, वर्टेक्स पे ये पॉइंट आ गया और लाइन जो है बिल्कुल लाइन पे आ गई। तो अब जरा ध्यान से, और जीरो डिग्री अब यहां से शुरू हो रहा है ये ध्यान रख लेना, तो अब हम यहां वाले ये जीरो वाले से शुरू होएंगे 10, 20, 30, 40 एंड ये 50 से थोड़ा सा नीचे है, तो 40 और 50 के बीच में है। तो एग्जैक्ट तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, पर मोटा मोटा जितना मैं बता सकता हूँ ये 46 या 47 डिग्री के करीब करीब है। आपको बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी जब आप बुक्स में देखोगे तो एंगल्स काफ़ी हद तक एग्जैक्ट बने हुए हैं, मेरे तो एंगल्स उतने एग्जैक्ट नहीं बन रहे, पर तरीका क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स पे जाएगा और ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी, और फिर हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। अब जीरो डिग्री यहाँ से शुरू होने वाली है, ये जो है ये वर्टेक्स है तो जीरो यहाँ से शुरू होगा, तो ये 0, 10, 20, 30 एंड 40 और 50 के बीच में है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 46 या 47 के आसपास है मेरे ख्याल से ये डिग्री। अब इस अगले एंगल पे आते हैं। अब वर्टेक्स कहाँ है? यहाँ। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जीरो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। और हमें करना क्या है, हमें ये जो है पॉइंट वर्टेक्स पे रखना है और ये जो लाइन है ये इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी। तो हम इसको कोशिश करते हैं, हाँ ये वर्टेक्स पे आ गया, अब वो लाइन जो है वो लाइन के ऊपर आ गई। अब जीरो यहाँ से शुरू होना, ये ध्यान रखना राइट साइड से जीरो शुरू होगा, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 करते 90 भी क्रॉस हो गया, 100 भी, और ये ऑलमोस्ट 110 पे जाके रुक गया। ये 110 से थोड़ा सा ऊपर है, 1 या 2 डिग्री, पर अप्रॉक्सीमेटली 110 पे आके रुक गया। तो इसका जो आंसर है वो है
आप मान सकते हो कि 110 डिग्री पर आपके जो भी बुक्स में दिया हुआ है वो एग्जैक्ट है, तो आपको एग्जैक्ट ही शो करेगा। मेरा थोड़ा सा हाथ से ड्राइंग हुई है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, बट आपको बुक में बिल्कुल क्लियर होगा। पर मेजरमेंट लेते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स पे रखना है, और ये वाली लाइन जो है बिल्कुल लाइन पे आएगी और ज़ीरो से यहाँ से शुरू होगी फिर इस केस में, बिकॉज वर्टेक्स यहाँ पे है तो ज़ीरो अब राइट साइड से शुरू होना है। अब अगला देखो, अगला एंगल जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आप कैसे करोगे? तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बेस क्या है, आप कौन सी लाइन को बेस लेते हो, इसको ले रहे हो कि इसको ले रहे हो। तो चलो पहले हम इस लाइन को बेस लेके चलते हैं। अब वर्टेक्स क्या हुआ, ये तो जीरो कहां से शुरू होगा, यहां से। अब बस ये चीज का ध्यान रखना, और वर्टेक्स पे जब हम, और फिर वर्टेक्स पे हमने ये पॉइंट रखना है, तो ये अब लाइन जो है जीरो इस पे बेस लाइन पे आनी चाहिए। तो ये अब डी को हमने कोशिश करके रख दिया जी वर्टेक्स पे, और वो लाइन जो है अब बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली उस लाइन के ऊपर आ गई है। एक्चुअली ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है जिसकी वजह से ये मेरे को थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, पर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो वर्टेक्स को रखा इसके ऊपर और उस लाइन को रखा उस लाइन के ऊपर। तो अब देखो, अब ज़ीरो कहाँ से शुरू होनी है, यहाँ से शुरू होनी है। तो अब डी में देखो ज़ीरो कहाँ पे है, अब ज़ीरो यहाँ पे है। तो ये 0, 10, 20, 30 और अप्रॉक्सीमेटली जो है 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है 30 का हो या 20 का हो, पर यहाँ पे मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री का बन रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर मैं इसको बेस ले लूँ तो अगर इसको बेस लोगे तो वर्टेक्स फिर ये बनता ही है, तो ज़ीरो फिर यहाँ से शुरू होगा। तो अगर आप इसको बेस रखोगे तो वो वर्टेक्स वाले पॉइंट को आप वर्टेक्स पे रखो, और वो लाइन को आप उस लाइन के ऊपर रखो। अब ज़ीरो शुरू हो रहा है यहाँ से, तो 0, 10, 20, 30 यहाँ भी देखोगे वही अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास आ रहा है। तो एंगल का फ़र्क कुछ नहीं बनना, रिजल्ट एंड वही आने वाला है। आप चाहे इसको बेस बना लो चाहे इसको बेस बना लो, पर ये ध्यान रख लेना अगर वर्टेक्स यहाँ है तो ज़ीरो यहाँ से शुरू होगा, अगर वर्टेक्स ये है और ये लाइन को बेस ले रहे हो तो फिर ज़ीरो यहाँ से शुरू करोगे। तो जब डी में देखोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अब ये सम आ गया, अब इसमें ये लाइन ऐसे शो कर रही है। अब हमारे से पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या है। अब इसमें वही डिसीजन, पहले बेस कौन सा लेंगे। अब बेस अगर इसको ले रहे हो तो फिर आप डी का जो मिड पॉइंट है ये इसको रखोगे वर्टेक्स पे, और ज़ीरो आप ध्यान से रखना यहाँ से शुरू होनी है, और ज़ीरो यहाँ से शुरू हो रही है और लाइन को हमने बिल्कुल बिल्कुल जो है लाइन के ऊपर रख लिया है। तो अब हम देखेंगे ज़ीरो यहाँ से शुरू हो रहा है तो 70, 80, 50, 60, 70 और ये अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास आ रही है बात। तो ये कितना है 80 डिग्री, या ठहरो, ये 80 के आसपास आ रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से रखूं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये लाइन लाइन के ऊपर आ गई और ये वर्टेक्स वर्टेक्स के ऊपर आ गया, यहाँ भी देखोगे वो भी बिल्कुल 80 के आसपास आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, आपको बस ये डिसाइड पहले कर लेना है कि आपने बेस किसको रखना है। अगर बेस इस लाइन को रखोगे तो वर्टेक्स ये बनता है, ये वर्टेक्स में तो ये रहना सेम रहना है क्योंकि लाइनें दोनों यहीं मिल रही हैं। तो ज़ीरो यहाँ से शुरू होना है, अगर आप इसको बेस ले रहे हो वर्टेक्स यहाँ पे है तो ज़ीरो यहाँ से शुरू होएगी। तो डी को उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। अब एक लास्ट सैंपल ले लेते हैं। अब ये जैसे ये ड्राइंग है तो इसमें भी वही है कि आपको बेस पहले डिसाइड कर लो, आप बेस किसको ले रहे हो। तो मान लो आप इसको बेस बनाते हो तो वर्टेक्स तो ये पॉइंट रहने वाला है,
और जीरो अब यहां से शुरू होगा, वर्टेक्स ये है तो जीरो अब यहां से शुरू होना है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 भी क्रॉस हो गया, 100 भी क्रॉस हो गया, 110 भी क्रॉस हो गया, 120 और 130 के बीच में है। ड्राइंग खराब है मेरी, लाइन खराब है, इस वजह से आपको एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा, पर ये अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री के आसपास हो गया। मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मेजरमेंट लेनी कैसे है। वर्टेक्स होगा और वर्टेक्स पे आपका मिड पॉइंट होगा, और वर्टेक्स का जो दूसरी साइड होएगी वहाँ से जीरो डिग्री शुरू होएगी, और जो ये वाली लाइन है जीरो डिग्री वाली, ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, फिर आप जो है एंगल की मेजरमेंट को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब आगे हमें क्या दिया गया है कि हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना है। अब उसको बढ़ाएंगे कैसे, पहले तो हम करेंगे जी लाइन ड्रॉ। तो स्ट्रेट लाइन जितना पॉसिबल हो सकता है कोशिश करो लाइन को ड्रॉ करने की। अब उसके बाद मैं ले रहा हूँ वर्टेक्स इसको, ठीक है। तो अगर मैं वर्टेक्स इसको लेके चल रहा हूँ, ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जीरो डिग्री यहां से शुरू होनी है। तो हम जब डी को रखेंगे तो डी का ये जो मिड पॉइंट है ये आएगा वर्टेक्स के ऊपर। अब जैसे ये आ गया जी वर्टेक्स के ऊपर और जीरो डिग्री यहां से शुरू होनी है, तो ये जो जीरो डिग्री वाली लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, तो इसको हम कर देंगे सीधा। ठीक है जी, इसको कर देंगे बिल्कुल इसके ऊपर। अब हमारे को अगर 40 डिग्री बनाना है तो उसके लिए अब जीरो डिग्री यहां पे आ गया, तो अब जीरो से शुरू करेंगे और 40 तक हम जाएंगे। तो जीरो से शुरू करिएगा तो उसके बाद 40 तक जाएंगे, तो कहां तक पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे जी यहां तक। तो ये जो पॉइंट है इस पे हम लगा लेंगे डॉट, ठीक है। अब ये यहां से वर्टेक्स से इस डॉट के ऊपर हम सीधी लाइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। आप इस लाइन को आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वहां तक जरूरी नहीं कि आप एक्सटेंड करेंगे, आप जितनी मर्जी लाइन को लंबा ले जाओ, पर ध्यान रख लेना कि वो एक स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए। हमें सिर्फ मतलब एंगल से है और वो एंगल हमने 40 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह से अगला एक सम लेते हैं कि ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। ठीक है जी, अब 90 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए पहले तो लगा लो जी लाइन। अब डिसाइड करो वर्टेक्स किसको बना रहे हो, तो मैं फिर ए और बी में से ए को वर्टेक्स बना रहा हूं। तो एक वो वर्टेक्स बनाया तो जीरो यहां से शुरू होगा और हम इस पॉइंट को वर्टेक्स पे रखेंगे। तो पहले हमने इसको यहां पे रख दिया बिल्कुल, और फिर जीरो डिग्री अब ये शुरू हो रहा है, तो इस डी को हम बिल्कुल इसकी पोजीशन डी करेंगे और जीरो पे ले आएंगे। तो अब ये जो लाइन है बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आ गई, तो जीरो कहां से शुरू होना था, यहां से। तो अब ये जीरो शुरू हो रहा है, हमें जाना 90 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये रहा जी 90। तो 90 पे हम लगा देंगे डॉट। अब डॉट लगा दिया, इसके बाद अब क्या करना है आप सबको पता है, अब हम यहां से लाइन करेंगे ड्रॉ। अब इस लाइन को आगे तक लेके जाना है, ऊपर तक लेके जाना है, वो आपकी मर्जी है, जहां तक मर्जी ले जाओ। और ये जो एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। तो ऐसे हम करेंगे इन एंगल्स को ड्रॉ। अगला थोड़ा सा टफ है, वो भी मैं करवा देता हूं आपको। अगला है जी 120 डिग्री एंगल। आप यहां पे फिर एक लाइन पहले ड्रॉ करो, बेस लाइन तो बनेगी बनेगी। वर्टेक्स कौन सा होगा, वर्टेक्स ये होगा,
मैं फिर ए को ही वर्टेक्स लूंगा, इसको भी ले सकते हो, पर वो आपकी मर्जी है आप किसको वर्टेक्स लेने जा रहे हो। तो वर्टेक्स अगर ए लूंगा तो बी से जीरो शुरू होगी, अगर मैं बी को वर्टेक्स लूंगा तो ए से जीरो शुरू होगी। तो अब हम ये जो मिड पॉइंट है इसको रखेंगे ए के ऊपर। और वो जो जीरो डिग्री अब ये है, तो जीरो डिग्री वाली जो लाइन है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर आ गई है, लाइन के ऊपर। अब जीरो यहाँ से शुरू होना है, तो फिर जीरो शुरू हो गया यहाँ से। अब चलो जी 120 ढूंढो कहाँ पे, 90 तो यहीं था, 90 के बाद 100 110, और ये रहा जी 120। तो 120 के आगे लगा दो डॉट। अब यहाँ से जो है ये लाइन जो है इधर ड्रॉ कर दो, वो आगे जितनी मर्जी ले जाओ, आपकी मर्जी है। तो अब ये जो एंगल है ये है आपका 120 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं। बाकी जारे जितने भी हैं वो आपके लिए एक तरह का होमवर्क है, मैं सिर्फ इतने ही एंगल्स आपको दिखाऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि पहले तो ये डिसाइड करो वर्टेक्स किसको बना रहे हो, और फिर अगर इसको वर्टेक्स बना रहे हो तो फिर जीरो यहाँ से शुरू करोगे, अगर इसको वर्टेक्स बना रहे हो तो फिर जीरो यहाँ से शुरू करोगे। बस इस चीज़ का ही ध्यान रख लेना। तो ये है जी हमारा मेजरिंग ऑफ एंगल्स का वर्कशीट, जो अब हो गई ख़त्म। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हो। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनमें उनको शेयर भी कर सकते हो। वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिया होता है, और व्हाट्सएप के थ्रू आप लिंक शेयर कर सकते हो सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच।